जैसे ही मैंने कहा मैं निश्चय कर रहा था मेरे साथ दो करोड़ में मैं निश्चय के रूप में था 2011 के बाद में जैसे ही मैंने कहा रोटी उठाया लोगों ने क्या देखा कि रोटी पर आग लगी है और मेरे शरीर में भी आग लगी लोगों ने देखा जो क्रिश्चियन नहीं थे उन्होंने भी देखा आग लगी है। उसी तरह से जब मैंने कटोरा को लिया और कहा जब मेरा कटोरा है उसमें भी आग लगी थी और मेरे शरीर में और लोगों ने क्या देखा बहुत सारे दूध लोग ऊपर में तैर रहे थे और जो गान लगाते थे लोग हुए वास्तव में ये सच्ची बात है और इसलिए हमको बड़ी भक्ति के साथ बड़े विश्वास के साथ इसे ध्यान करना है। तीसरा पहलू है इसी बात है कि जिस रोटी को हम परिवर्तित करते हैं उसकी हम आराधना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें हमारा प्रभु यीशु कृष्ण है पुनर्जीवित प्रभु उसमें उपस्थित है और इसीलिए हम लोग पवित्र शास्त्र में उसकी स्तुति करते हैं आराधना करते हैं सारे विश्व में ऐसा होता है वो दिन रात कहीं पर आराधना करते हैं और उससे भी बहुत कुछ होता है। मेरे दीदी की मांगे सिस्टर बहुत भारी प्रवृत्ति है एक दिन शाम को 5 लोग आराधना कर रहे थे और मेरे दिन भारी प्रवृत्ति थी तो सामने से रखा हुआ था दीदी जब किनारे थी तो मुड़ के उनकी तरफ आ गया मुड़ के उनकी तरफ आ गया मेरी दीदी कहती है कि किसी कारणवश प्रभु से खुश था इसीलिए मैं सब तो सचमुच में प्रभु शास्त्र और उसके बाद आज हमारे हमारे बच्चे जरूर आज प्रभु को ग्रहण करेंगे बच्चों याद करो कौन मेरा हाथ याद करो बच्चों कि आज पहली बार प्रभु को ग्रहण कर रहे हो अपने बच्चे अपने हृदय में रखो और प्रभु को दुख मांगते हैं प्रभु को दुखित करोगे जब तुम माँ बाप के आगे बात नहीं करोगे प्रभु को दुखित करोगे जब तुम लड़ाई झगड़ा झगड़ा चोरी चपाटी बातचीत करोगे प्रभु को तुम दुख करोगे जब तुम बुरी संगति में रहोगे तब प्रभु दुखित होगा हो सकता है तुमसे दूर चला जाए और यही बात मेरी तरह संस्कार वर्ष करेंगे इसलिए प्रभु को अपने हृदय में प्यार हमारा प्रभु हृदय में क्यों आता है क्योंकि वह हमें से प्रत्येक को प्यार करता है प्रत्येक को प्यार करता है इसलिए हमारा साथ करना चाहता है हमारे अंदर करना चाहता है और चाहता है कि हम भी उसके हृदय में निवास करें यही हमारा प्रभु चाहता है और उसके बाद हमारे बच्चे बड़ी तरह से ग्रहण करेंगे आज पवित्र आत्मा को उसके साथ वरदान के साथ ग्रहण करेंगे हमारे प्रभु ने दलितों को पेंटेकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा को भेजा और जैसे ही पवित्र आत्मा के पवित्र उनका डर भय खत्म हो गया उनमें प्रभु के यीशु समाचार को फैलाने का एक नया जोश आ गया उन्हें बुद्धि आ गई उन्हें प्रज्ञा आ गई वे हृदय दुर्बल हो गए वे अपने विश्वास में दृढ़ हो गए और उन्होंने लोगों को परामर्श दिया पेट्रोस गर्भो था बच्चुआ था पढ़ा लिखा नहीं वो उपदेश देने लगा और उन्हें नबी योएल योएल के तरफ से उद्धृत करते हुए कि योएल ने ये कहा वो कहा और विगत पहले डरते थे वो कि कहीं यहूदी लोग हम लोग को मार न डाले ऐसा बोल के छिपे छिपे रहते थे लेकिन सत्य कोष के लिए खुले आ उनको चैलेंज करने लगे उनको चुनौती देने लगे आप लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया वो होने का पत्थर है उसी ने उसी के द्वारा ईश्वर ने सबको मुक्ति दी है हमें जीता है उद्देश्य के लिए और तब उसी के 3000
3000 और चेने सभी चेने युद्ध को कार्य करते रहेंगे। बाकी लोग प्रभु का साक्ष्य देने लगे, प्रभु का सुस्वीकार बनाने लगे और इधर उधर घूम घूम कर सब पॉलू के बाद में प्रिंस बना हो तो कितना 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 देश घुमा, कितने शहर गया और दूसरे जिलों में भी मेडिकल में भी और सबके सब दम दबा सबके सब एक उसको विचार कर दिया कि उस पर संत पॉलू को काट दिया गया और शायद जोहान को उबल के भी तेल में डाल दिया गया, संत जेम्स को भी तलवार से हाथ डाल दिया गया, कहते हैं संत थॉमस को भाले से मारा गया, बहुत सभी को उनको एकदम डर खत्म हो गया, उनमें दृढ़ता आ गई। आगे लोगों को परामर्श देने लगे और मूल परामर्श उनका दिया था कि ईश्वर को इंतजार करता है, प्रेम से तो तुम्हारी सृष्टि की है लेकिन आदि पाप के कारण से तुम्हारी आत्मा को शैतान ने पकड़ लिया है और हमारे प्रभु ने अपने पुरुष के बलिदान से तुम्हें चुराया है, उसने स्वर्ग के द्वार खोल दिया है, अब तुम स्वतंत्र उसमें प्रवेश करना चाहते हो तो चलो प्रवेश करो और फिर उन्होंने संदेश दिया हमारे प्रवेश ईश्वर का कितना दयालु है, कितना करुणामय है, कितना क्षमावान है इसके बारे में और उन्होंने संदेश दिया साक्ष्य दिया कि ईश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा, क्यों भेजा है क्योंकि हम सब कमजोर है, हमारे अंदर आदि पाप कलंक है, हमारे अंदर अहंकार घमंड है, हमारे अंदर लोभ है लालच, हमारे अंदर ईर्ष्या है द्वेष, ये सारी चीजें हमारे अंदर है जिसके कारण से हमारे प्रभु के सुसमाचार जीने में तकलीफ होती है। हमारे प्रभु ने कहा है अपने एकमात्र ईश्वर को अपनी सारी इच्छा अपनी सारी बुद्धि अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इसमें मुश्किल होता है क्योंकि हमारे अंदर खामियां हैं। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें शक्ति देता है, हमें दृढ़ करता है, शक्ति देता है। धनबाद में एक मंदिर अंतर बुजुर्ग महिला और कुछ लोगों ने उस परिवार में जाकर उनको घबरा रहा है, तुम इसके इस व्यक्ति के सामने खड़े हो जाओ इसके आराधना करो और उस बुजुर्ग महिला अनपढ़ महिला ने कहा हम नहीं कह रहे, मारना चाहते हो मार डालना चाहते हो मार, मैं एकमात्र ईश्वर और प्रभु इस पर विश्वास करती हूँ और मैं किसी के पास नहीं जाऊँ। ये शक्ति तो कहाँ से मिली ये पवित्र आत्मा शक्ति और पवित्र आत्मा बहुत सारे वरदान देता है। एक वरदान ये भी है कि मनुष्य कोई भी पाप करना चाहता है अपराध करना चाहता है तो उसे पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि तुम ईश्वर के प्रेम के विरुद्ध काम कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, एक तरह का भय उत्पन्न होता है। एक अच्छा है कि मैं ईश्वर के अनंत प्रेम के विरुद्ध में विरोध कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, मैंने शक्ति दी तो कृष्ण मेरे लिए हम परमेश्वर को उनकी सारे माओं के लिए धन्यवाद दें। जब मेरे बच्चे परम प्रसाद ग्रहण करने वाली बात आप सबने कनेक्ट किया है, आप भी बड़ी भक्ति के साथ विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए, हमारे बच्चे परमात्मा ने वरदान ग्रहण करें, आपने ग्रहण किया है, आप भी उसे स्वीकार कीजिए, आप प्रार्थना वरदान पालन कीजिए और इस तरह से आपको आपके परिवार में ख्रिस्त के वातावरण रहेगा, प्रेम का वातावरण रहेगा, शांति का वातावरण रहेगा और उदारता परमेश्वर प्रेम का वातावरण रहेगा। यही ईश्वर की इच्छा है, ये मानव इच्छा है कि हम धरती पर
पवित्र जीवन, अच्छा जीवन, निश्चय जीवन जिए और भरने के बाद अनंत काल तक उसकी महिमा को जाते हैं। यही ईश्वर की इच्छा है और इसी जीवन को प्राप्त करते रहते हैं। पिता पर क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? और एक बार दोस्त, कभी से जाते हो किसी, क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग सर्वाधि के सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हां, विश्वास करते हैं। बहुत अच्छा। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुमारी मरियम से जन्म हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित हो गए, पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? जी हां, विश्वास करते हैं। क्या आप लोग प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा का, जो विधिकरण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पिंतेकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? जी हां, विश्वास करते हैं। क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हां, विश्वास करते हैं। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु मसीह में अभिमान पूर्वक स्वीकार करते हैं। हम सब शक्तिमान पिता यीशु से प्रार्थना करें कि वह अपने आत्मा भेजने की कृपा करें, जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नवजीवन प्राप्त किया है, अपने अनगिनत वरदान द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें जीवित करें और अपने अभ्यंजन द्वारा इन्हें यीशु के पुत्र क्रिस्त के अनुरूप बना दे। अभी हम लोग सबके खड़े हो जाएंगे और पवित्र आत्मा को प्रदान करें। जो आत्मा ये दूने सी सी
प्रभात फिर की प्रभात फिर की प्रधान ग्रहण कीजिए, आपको शांति। प्रेम फिर की प्रेम फिर की प्रधान ग्रहण कीजिए, आपको शांति। लाजरोस टिग्गा प्रधान ग्रहण कीजिए, आपको शांति। प्रीतम तिर्की प्रीतम तिर्की प्रधान ग्रहण कीजिए, आपको शांति। जोसेफ टोप्पो प्रधान ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आपको शांति। प्रफुल्ल तिर्की प्रधान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। दिलीप लकड़ा प्रधान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनिश टोप्पो प्रधान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सुधीर तिर्की प्रधान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति।